है कि जिस समय की सबसे ज़्यादा व्यवस्था है, अगर सब समय समय निकाला उसका है तो ये हम साधुवाद और धन्यवाद करना चाहेंगे सर। सर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि किस तरीके से इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस एग्जीबिशन का। ये एग्जीबिशन बेसिकली प्राइमरी के जो बच्चे हैं 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 8 तक के बच्चों की फिजिकल फिटनेस की शारीरिक ज्ञान कितना है। अक्सर हम बच्चों को अगर कंपैरिजन की बात करते हैं वॉलीबॉल फुटबॉल या बास्केटबॉल, तो बच्चे आइडिया नहीं लगा पाते कि कौन सा सामान को क्या कहते हैं। कि फुटबॉल मंगाते हैं तो वॉलीबॉल ले आते हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं 1-5, तो उनकी फिजिकल लिटरेसी को कैसे डेवलप किया जाए, उनको कैसे गेमों के बारे में बताया जाए। लगभग यहाँ पर 45 से ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं और इससे भी ज़्यादा इक्विपमेंट्स आ सकते हैं क्योंकि वो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, तो उनको हम यहाँ पर एडमिट नहीं कर रहे हैं। मगर मुख्य उद्देश्य सर इस एग्जीबिशन का यही है कि बच्चों की फिजिकल लिटरेसी बढ़े, क्योंकि भारत जो है वो स्पोर्ट्स लवर कंट्री है, ना कि प्लेइंग कंट्री है। यहाँ पे देखने वालों की संख्या करोड़ों में है, अरबों में है, मगर खेलने वालों की संख्या गिनती मात्र में समाप्त हो जाती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों की फिजिकल लिटरेसी डेवलप हो, और इतने सारे गेम खेले जाते हैं वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी गेम को वो चुन सकते हैं। गेमों का सर हमने डिवाइडेशन भी इसमें किया है, आउटडोर गेम की एग्जीबिशन है इसमें, इंडोर गेम की एग्जीबिशन है, और मेंटल ब्रेन गेम की भी इसमें एग्जीबिशन है, जिसमें ठीक सामने एक ऑफिस कॉच रखा है जिसमें आपको फुट मार्क्स दिखेंगे। एक कॉर्नर में सर हमारा रिव्यू क्यूब का एक बच्चा है जो कि 30 से 35 सेकेंड में किसी भी रिव्यू क्यूब को सॉल्व कर देता है। तो बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से और डिपार्टमेंट के हिसाब से बच्चों का आने वाले समय में उनका कैसे विकास किया जाए, फिजिकल लिटरेसी के तहत पढ़ाई व्यवस्था के तहत हम चल रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आज आपने बहुत अच्छा हमारे सर हमारा एक प्रयास और रहा है इसमें कि मुझे पिछले 10-12 साल का अनुभव है केंद्र विद्यालय से लेकर था। मैंने केंद्र विद्यालय संगठन में बच्चों की फिजिकल लिटरेसी को अंदर करने के लिए इस तरीके की एग्जीबिशन आज तक ना देखी ना होती भी थी। तो हमारा एक पहला प्रयास है, हम चाहेंगे आने वाले समय में इसको और अच्छे ढंग से कर सकें, आपके आइडियाज हमारे पास आएंगे। और जैसे सर ने कहा कि अगर खेलोगे कूदोगे, पहले कहा जाता था खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, मगर आज के समय में इसका परिवेश बदल गया है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। तो आप देख सकते हैं कि लाजवाब बनने की मुहिम को ध्यान में रखते हुए लगभग 45 मिनट की एक्टिविटी यहाँ पर है। तो मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा हमारे साथी सलीम जी से, नितिन प्रसाद सर से, सर एक बार आप विजिट करें और हमारे वॉलीबॉल
वॉलीबॉल के जो बच्चे खेलते हैं जिससे इंजरी ना हो सके उनको बच्चों की एक्सरसाइज से संबंधित डबल में हॉस्पिटल ये सर स्केटिंग है और फर्स्ट टाइम सर हम केंद्र विद्यालय में स्केटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से सेलेक्शन मिल गया है उनके अपने स्केट का। तो ये किस तरह से स्टार्ट होगा? ये सिक्स से स्टार्ट होगा। सिक्स से मतलब कोई बच्चा छोटा है तो आ सकता है। ये सर हमारा क्रिकेट एक बार मैं घर पे करा लूँगा। अच्छा देखिए ये क्रिकेट सेकंड में होगी। हाँ आप सेकंड में आ देखते देखते कहाँ पूरा समय। ये सर बॉल थ्रोअर है, जैसे कि ये इंटरनेशनल टीम में भी शामिल होता है क्रिकेट, इससे बॉल से प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये और सारा ही सामान सर क्वालिटी का एस जी का। ये सर लॉन टेनिस के लिए है, कोर्ट हम बास्केटबॉल का यूज करते हैं। ये बॉक्सिंग के हमारे बच्चे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाते हैं तो उनके लिए रेड कॉर्नर और ब्लू कॉर्नर में। और सर जी हमारा मास्टर है अर्नव, जो कि रूबिक कूब का बादशाह है। और ये आपको 20 से 30 सेकंड में बिना कुछ सॉल्व करके करके देखिए। आप ही देखिए। और इसमें पहली बार ये भी बोला था कि एक प्रतियोगिता इसके लिए रखी जाए, प्रतियोगिता भी इसके रखने वाले हैं आगे चलकर। एक लड़का और है देख सकते हैं, ये भी एक बहुत टैलेंट वाला गेम है। और किसी बच्चे को ध्यान में रखकर मैं उनका एक बार इंटर हाउस करा रहा हूँ। अच्छा, मुझे सारे बच्चों में रूबिक क्यूब को करके दिखाएंगे। अब ये आपको करके दिखाएंगे, तो इसको हम लाइव आपको दिखा रहे हैं यहाँ से। देखिएगा कितने सेकंड में इसे सॉल्व करते हैं। केंद्रीय विद्यालय में एक से एक प्रतिभावान बच्चे हैं, हमारे बच्चे को हम देख रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले एक मिनट की भी लगभग सर ये 15 से 7 है, 7x7 का है, एक
ये योगा की तो आप यहाँ देखते हैं कि बच्चे की जगह